अफ्रीका से आए कंपोजिट परिवार का फूल जरबेरा लगभग पूरे वर्ष खिलते रहने के कारण व्यावसायिक उत्पादन के लिए बहुत पसंद किया जाता है। यह पतली लंबी डंठल में शानदार पंखुड़ियों वाला फूल कई मनमोहक रंगों जैसे लाल, सफेद, पीले, नारंगी रंग लिए होते हैं। साथ ही बीच का चंद्रभाग बहुत ही चटकीला और बड़े आकार का साथ में अलग अलग रंगों में होता है। फूलदान में काटकर लगाने पर इसके फूल काफी समय तक तरोताजा बने रहते हैं। गुलदस्ते, स्टेज की सजावट और कई मौकों पर इस फूल की मांग की जाती है। यही कारण है कि आज जरबेरा अत्यंत लोकप्रिय फूल बन गया है। आज व्यावसायिक दृष्टि से इसकी खेती बिहार में भी की जा रही है। अगर आप इसकी खेती बिहार के किसी भी जिले में करना चाहते हैं तो जरूर करें। इसकी प्रमुख किस्में लारा, संटल, डेल्फिन, नवादा, ओलंपिया और कोरमरान है। जरबेरा की गुणवत्ता युक्त फूलों का उत्पादन के लिए 5% छाया घर या स्वाभाविक रूप से पॉली हाउस की जरूरत है। दिन का तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस इसके लिए बेहतर माना जाता है। मिट्टी की बात करें तो जरबेरा के लिए अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ और हल्की क्षारीय मिट्टी उपयुक्त होती है। जरबेरा की संरक्षित खेती के लिए भूमि की तैयारी काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पॉली हाउस के अंदर मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा कर लेना चाहिए। इसके बाद 1 मीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर उठी हुई बेड तैयार करनी चाहिए। तैयार किए गए बेड में रेत 2 भाग, नारियल या धान की भूसी 1 भाग और गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट 1 भाग को अच्छे से मिश्रण बनाकर मिला देना चाहिए। फिर मिट्टी जनित रोगों से नियंत्रण करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड 100 मिलीलीटर 5 लीटर पानी में 1 वर्ग मीटर क्षेत्र के हिसाब से छिड़क कर मिट्टी को इस प्रकार उपचारित करना चाहिए। अब सिंचाई के लिए बेड पर अच्छी तरह से ड्रिप सिंचाई प्रणाली को बिछा देना चाहिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जरबेरा के पौधे को रोज 500 से 700 मिलीलीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब जरबेरा के नन्हे पौधों को लगाने की बारी आती है। पौधों को लगाने के लिए लाइन से लाइन की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है। पौधे में अधिक वृद्धि और गुणवत्ता युक्त फूल लेने के लिए पहले 3 महीने हर 2 दिन में 1 बार NPK 1.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से दिया जाना चाहिए। जरबेरा की अच्छी उत्पादन के लिए खाद और उर्वरक का उपयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। गोबर की खाद 10 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से पौधा रोपण के पहले दें। रोपण से 3 माह तक 10:15:20 ग्राम NPK प्रति वर्ग मीटर प्रति माह दें। रोपण के 3 माह बाद जब फूल आना शुरू हो जाए तब 15:10:30 ग्राम NPK प्रति वर्ग मीटर प्रति माह की दर से टुकड़ों में 15 दिन के अंतराल पर दें। 1.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर के मिश्रण का छिड़काव करें। जरबेरा के शानदार फूल लेने के लिए कुछ और विशेष बातें हैं जिन्हें आप जरूर ख्याल रखें। नई पत्ती आने और उसकी वृद्धि और स्वच्छता बनाए रखने की सुविधा के लिए समय समय पर पुरानी पत्तियां हटा दें। पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए रोपण के बाद 2 माह तक कलियों को तोड़ते रहें और उसके बाद फूल आने दें। आवश्यकता अनुसार खरपतवार निकालते रहें। 15 दिन के अंतराल पर बेड की गुड़ाई करें जिससे जल और उर्वरक का अवशोषण और जड़ों में वायु का संचार हो सके।